नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारी कई गलत आदतें, जैसे कि लोगों को परेशान करना या अपने कुछ काम से लोगों को मुश्किल में डालना, उन्हें हर्ट करना, झूठ बोलना, तरह तरह की नकारात्मक चीज़ें करना आपके ग्रह नक्षत्रों को खराब कर सकता है। अगर कुंडली में सब कुछ सही है लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो जीवन में उसका प्रभाव भी दिखेगा। तो आज नकारात्मक कर्मों के प्रभाव के बारे में पंडित जी से जानेंगे, समझेंगे कि किन कामों से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए ताकि हमारी खुद की जिंदगी शांति से, सुख से बीते। इस बारे में बात करें उसके पहले शो की शुरुआत गुडलक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपके गोपनीय शत्रु, जिनको आप नहीं जान पा रहे, जिनको आप नहीं पहचान पा रहे, अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हों, तो नियमित रूप से नृसिंह भगवान की पूजा करिए। अगर आप नियमित रूप से नृसिंह भगवान की पूजा करेंगे, आपके शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचांग की। 9 मार्च का पंचांग पंडित जी से जान लीजिए। दिनांक 9 मार्च 2024, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 6:17 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 7:55 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज आपके नकारात्मक कर्म कैसे आपके भाग्य को खराब कर सकते हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से आप मुश्किलें खड़ी करते हैं लोगों की जिंदगी में। तो सबसे पहले, अगर छोटे बच्चों को या अपने से छोटे लोगों का आप शोषण करते हैं या कोई मारता पीटता है, तो इसका कैसा प्रभाव आपकी खुद की जिंदगी पर, आपकी खुद की कुंडली पर पड़ता है, इस बारे में समझते हैं सबसे पहले। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपनी तकलीफें छोटे बच्चों पर निकालते हैं, छोटे बच्चों को मारते पीटते हैं, या जो लोग आपसे जीवन में छोटी स्थिति में हैं उनका शोषण करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है इसका जीवन पर? देखिए, अपने से छोटे लोग और बच्चे शनि ग्रह से संबंध रखते हैं। अपने से नीचे दर्जे के लोगों, खास तौर से बच्चों का शोषण करने से और उन्हें मारने पीटने से शनि खराब होता है या शनि के शुभ प्रभाव कमजोर हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने से छोटे लोगों का शोषण करते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं, तो ऐसा करने से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और जीवन में कदम कदम पर धन प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है। हड्डियों की समस्या और स्नायु तंत्र की समस्या, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप अपने से छोटों का शोषण करेंगे, बच्चों को बेवजह मारेंगे पीटेंगे, तो याद रखिए आपका शनि बिगड़ेगा। शनि अगर बिगड़ेगा तो संघर्ष बढ़ेगा जीवन में। और दूसरा, कदम कदम पर धन को लेकर के, सफलता को लेकर के आपको संघर्ष करना पड़ेगा।
तो ये बहुत छोटी सी बात है और अक्सर लोग ऐसा करते हैं बिना ये जानते हुए कि वो कितना गलत कर रहे हैं। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुछ और बुरे कर्मों से आपको दूर रहना चाहिए, इस बारे में आगे बात करें। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानिए। पंडित जी, मेष राशि, अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो इस समय आपको आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, तीन राशियों की हमने चर्चा की है, बाकी राशियों पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले नकारात्मक कर्मों का, नकारात्मक कामों का आपके जीवन पर होने वाले असर को लेकर कुछ और जानकारी पंडित जी से लेते हैं। कुछ देर पहले हमने जाना कि अगर आप बच्चों पर या अपने से छोटे लोगों पर बिना मतलब के हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं, तो आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। कुछ लोग अपनी धर्म पत्नी के साथ भी ऐसा करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो जान लीजिए आपके जीवन पर इसका कैसा असर पड़ता है। पंडित जी, बहुत सारे लोग पत्नी पर हाथ उठाते हैं, पत्नी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और पत्नी का शोषण करते हैं। इसका प्रभाव क्या है? देखिए, जीवन साथी और उसके साथ व्यवहार, इसका संबंध है सीधा शुक्र से। ऐसा नहीं है कि पत्नी के साथ ही बुरा व्यवहार करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, पति के साथ भी बुरा प्रभाव करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे तो बुरा असर जरूर पड़ेगा। बात जीवन साथी की है, उसके साथ व्यवहार का संबंध शुक्र से होता है। अगर पत्नी के साथ या पति के साथ शारीरिक हिंसा की जाए, अपशब्दों का प्रयोग किया जाए, तो शुक्र कमजोर होता है, शुक्र खराब होता है। जीवन में सब कुछ रहने के बावजूद सुख की कमी हो जाती है और व्यक्ति को चैन नहीं मिलता। व्यक्ति सुविधाएं तो जुटा सकता है लेकिन सुख नहीं पा सकता। आंखों की और मधुमेह की समस्या ऐसी स्थिति में हो सकती है। तो अगर आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने पति या पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं, आपके जीवन से सुख गायब हो जाएगा। तमाम प्रयास करने के बावजूद आप जीवन में आनंद से
और चैन से नहीं रह पाएंगे और बैठे बिठाए आपको आंखों की और डायबिटीज की समस्या हो सकती है। तो सतर्क हो जाइए और इन बहुत ही छोटी और गंभीर बातों का आप ध्यान भी रखिए। आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, पहले ये जान लेते हैं। कर्क राशि, रिश्तों को लेकर के सतर्क रहें, रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है। करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन का लाभ होगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला सवाल राहुल जी ने हमें लिखा है और राहुल जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मार्च 1979, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है जयपुर। राहुल जी कह रहे हैं कि व्यापार में दिक्कतें बहुत आ रही हैं और बहुत कर्ज हो गया है, तो व्यापार कब तक बेहतर होगा और कर्ज से छुटकारा कैसे मिलेगा। राहुल जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके व्यापार में और आपके स्थान में दोनों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन इस साल के अंत में होने की संभावना बनती है। अक्टूबर 2024 के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, कर्ज से मुक्ति पाने में लगभग अभी 1 से 1.5 वर्ष का समय लगेगा। 2025 के अंत तक जाते जाते आप कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और चलिए अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप कोई भी जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो पंडित जी, दूसरा सवाल कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न माधवी जी ने हमें लिखा है और माधवी जी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। बंगलौर से मेल लिखती है माधवी जी। इनके पुत्री की जन्म तारीख है 7 नवंबर 1992। जन्म का समय शाम को 6:30 और जन्म का स्थान है बेंगलौर। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। माधवी जी, अभी आपकी पुत्री के विवाह में समय है। आपकी पुत्री का विवाह वर्ष 2025 के मध्य में होता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2025 के मध्य में इनकी शादी होगी और इनका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला कर ठीक रहेगा। इनका विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन सुंदर हो, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहना देने से लाभ होगा। और दूसरा, आपकी बेटी का विवाह अच्छा हो सके इसके लिए रोज सूर्य देव को हल्दी मिला करके जल चढ़ाएंगी तो परिणाम बहुत बेहतर होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज जो चर्चा कर रहे हैं हम कि अगर आप कुछ बुरे कर्म करते हैं, नकारात्मक कर्म करते हैं, तो इसका आपके जीवन पर कैसा असर दिखता है, इस चर्चा पर वापस आते हैं। अगर आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका अनादर करते हैं, तो इसका क्या असर होता है आपके जीवन पर, चलिए अब इस बारे में भी जानिए। अगर आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ये भयंकर दोष है और ये आपको जिंदगी में भयंकर परेशान करेगा। माता का संबंध होता है चंद्रमा से और पिता का संबंध होता है सूर्य से। ये दोनों ग्रह व्यक्ति का संपूर्ण जीवन नियंत्रित करते हैं। इसलिए अगर आप माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो संपूर्ण भाग्य में, सारे भाग्य में रुकावट आ सकती है। व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक समस्याएं बहुत परेशान करती हैं और व्यक्ति का भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, व्यक्ति कभी भी काम नहीं कर पाएगा। माता पिता आपके कैसे भी हों, हो सकता है आपके विचार ना मिलते हों, तालमेल ना मिलता हो, माता पिता आपके कैसे भी हों, लेकिन अगर आप दुर्व्यवहार करेंगे उनके साथ, जीवन आपका ब्लॉक हो जाएगा और तमाम प्रयासों के बावजूद आप जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है और अगर आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो भला भगवान आपका साथ कहाँ देंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कुछ और अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं। तुला राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। मन बेहतर होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में लापरवाही ना करें, कीमती वस्तु संभाल कर रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब तीन राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले जानते हैं कि अगर आप अपने भाई या दोस्त के साथ किसी भी तरह का छल करते हैं, कपट करते हैं, तो इसका आपके जीवन पर क्या असर दिखाई देता है। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, की होई पातक की होई कोढ़ी। गुरु के साथ छल और मित्र के साथ कपट बहुत गंभीर अपराध है। देखिए, भाई मित्र या दोस्त का मामला मंगल के साथ संबंध रखता है। जब बात भाई मित्र या दोस्ती के रिश्तों की आती है तो जिम्मेदारी होती है मंगल की। अगर भाई या दोस्त के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं या कपट करते हैं तो मंगल कमजोर हो जाता है, मंगल बिगड़ जाता है। व्यक्ति को भूमि और भवन का सुख मिलने में समस्या आती है। कभी कभी व्यक्ति को दुर्घटना या कारावास यानी जेल का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती हैं। अगर आप अपने मित्र के साथ धोखा करते हैं, अपने भाई के साथ छल या फरेब करते हैं, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा करते हैं, जरा से पैसे के लिए ऐसा करते हैं, तो आप याद रखिए, आप किसी मुकदमे, पुलिस कचहरी या वाद विवाद में फंसेंगे और उसमें बेवजह पैसे भी बर्बाद होंगे और सम्मान भी आपका नष्ट होगा। तो देखिए, अलग अलग कर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, यह आपने जान लिया है और आप समझ भी गए होंगे अगर अब तक आप नहीं समझे थे कि इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी गलतियां आपसे हो गई है और आप चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो और आप अपने कर्मों का प्रायश्चित भी करना चाहते हैं, तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। अब मान लिया आपसे इस प्रकार की गलती हो गई, इंसान है, जीवन में गलती हो सकती है, तो क्या उपाय करें। जिस व्यक्ति के प्रति ये अपराध किया है उससे क्षमा याचना करिए। माता पिता के प्रति किया है, जीवन साथी के साथ किया है, मित्र के साथ किया है, उससे क्षमा मांगिए। रोज सुबह अपने माता पिता और बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए और तब दिन की शुरुआत करिए। रोज प्रातः काल गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। डेली मॉर्निंग एक बार हिंदी या संस्कृत में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। ढेर सारे फल और फूलों के पौधे आपको लगवाने चाहिए। फलदार वृक्ष, फूल वाले पौधे, ये आप जितना ज्यादा लगवाएं उतना अच्छा होगा।
पापों के प्रायश्चित के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत फायदेमंद होगा। और जिस व्यक्ति के प्रति आपने गलत और नकारात्मक व्यवहार किया है, उससे व्यक्तिगत रूप से अगर आप क्षमा मांग लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, गलतियां हो जाती हैं लेकिन इसमें सुधार भी किए जा सकते हैं, तो इन उपायों का जरूर आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की, और इनका राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। मकर राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, वाद विवाद से बचाव करें, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, यात्रा में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, चलिए पंडित जी से जाने। जी, आज का अगला प्रश्न नवीन जी ने हमें लिखा है, और नवीन कुमार जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। नवीन कुमार जी की जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1979। जन्म का समय रात के 10:45 और जन्म का स्थान है पटना। नवीन जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए नौकरी छोड़ करके व्यापार करना बेहतर होगा, और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। नवीन जी, आप नौकरी छोड़ करके पूरी तरह से व्यापार में आ सकते हैं, लेकिन उसका समय 2026 मार्च के बाद है। 2026 मार्च के बाद आप पूरी तरह से अगर व्यापार में आ जाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो कर्ज लेने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज का लेन देन आपको मुश्किल में डाल सकता है। आपका करियर बेहतर हो, आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
बृहस्पतिवार को प्रातः धारण कर लें, एक पीला पुखराज अवश्य बनवा करके पहन लें और सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के चौथे और अंतिम सवाल का। और सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं पंडित जी उसका हल आपको निकाल कर दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, आज का चौथा और अंतिम सवाल कहाँ से आया है जी? आज का अंतिम प्रश्न इंदु जी ने हमें लिखा है और इंदु जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इंदु जी की जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1962, जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। इंदु जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य की समस्याएं निरंतर परेशान कर रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके? इंदु जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी स्वास्थ्य को लेकर के फरवरी 2025 तक सावधानी रखिए। नसों की समस्या और हड्डियों की समस्या को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज नाम का रत्न 6 से 8 रत्ती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की रात को धारण करें तो आपको लाभ होगा। एक ब्लू टोपाज बनवा करके पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी, आज हम नकारात्मक कर्मों को लेकर बातचीत कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जब दर्शक ये एपिसोड देख रहे होंगे तो कई बार दिमाग में आता है कि मैंने ये किया था, उसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया, उसके साथ मैंने ये कर दिया, ये गलत तो नहीं है, नकारात्मक तो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया हो, प्रायश्चित करना चाहें तो कौन से उपाय कर सकते हैं कि हर तरह के नकारात्मक कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाए? जी देखिए, जाने अनजाने हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को परेशान कर देते हैं या किसी को हमारी वजह से कष्ट हो जाता है। कभी कभी जानबूझकर भी होता है और बहुत बार अनजाने में भी हो जाता है। तो मान लिया हमारे कर्म कभी ऐसे हो गए या हमसे गलती हो गई, हमने किसी का दिल दुखा दिया, किसी को दुख पहुंचा दिया, तो ऐसी स्थिति में आप पूरी तौर से ये समझ लीजिए कि आप इसका प्रायश्चित करिए और इसके प्रभाव से बाहर निकलिए। जिस व्यक्ति का दिल दुखाया है या जिसके साथ ऐसा हो गया है, ऐसा गलत व्यवहार आपने कर दिया है, अगर संभव हो तो उससे क्षमा याचना करिए, क्षमा जरूर मांगिए। और दूसरा काम करिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। किसी भी तरह के किए गए गलत कार्य के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पापों का प्रायश्चित होता है। और साथ में नियमित रूप से हर शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल डाल करके प्रार्थना करिए, आपके नकारात्मक कर्मों का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए पंडित जी ने जो उपाय आपको बताए हैं जरूर उनको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात उनकी जिनका जन्मदिन 9 मार्च को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, ये जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 9 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस साल भी विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होता हुआ दिख रहा है।
क्या करेंगे, पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपका दिन, आपका वर्ष बहुत बेहतर होगा। और चलिए बारी है आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल है कि क्या शिवजी की उपासना रात्रि को भी की जा सकती है पंडित जी? देखिए, भगवान शिव की अगर बात करें तो शिव जी सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। किसी भी पहर, किसी भी समय, किसी भी वेला उनकी पूजा की जा सकती है। उनकी पूजा में नियमों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के पट रात को बंद हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप मध्य रात्रि में भी उनकी पूजा करना चाहें तो आप निश्चिंत होकर के किसी भी समय उनकी पूजा कर सकते हैं। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं, तो 9 मार्च का शुभ पहर आखिर क्या होगा, पंडित जी से जानिए। दिनांक 9 मार्च 2024 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, आपकी रोजगार संबंधी समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 9 मार्च शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुडलक राशि के बारे में, जो कि है सिंह राशि। और पंडित जी, इस राशि के बारे में आज क्या जानकारी देंगे आप? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के कर्जों के बारे में। आज की गुडलक राशि है सिंह राशि। ये बहुत ज्यादा कर्जों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, फिर भी अगर कर्ज लेते हैं तो समय से चुका देते हैं। कर्ज की समस्या इनको सामान्यतः परेशान नहीं करती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं वो महा उपाय जो आप सबके लिए महा शुभ फलदायी होता है। तो पंडित जी, आज महा उपाय में क्या लेकर आए हैं? जी, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि मेरे घर में शुक्रवार को झगड़ा जरूर होता है, शुक्रवार को पति पत्नी में झगड़ा होता है, विवाद होता है, हर फ्राइडे का दिन बड़ा खराब जाता है। क्या करना चाहिए? हर शुक्रवार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करें, उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि घर में खुशहाली आए। और घर के सब लोगों में जो सफेद मिठाई का भोग लगाया था उसका प्रसाद वितरण करें। ऐसा अगर हर शुक्रवार के शुक्रवार करें, पारिवारिक अशांति दूर होगी और घर में जो शुक्रवार के दिन ही गड़बड़ी होती है वो गड़बड़ी होनी बंद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी, तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएनटी।